हेलो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में सॉल्व करते हैं न्यूटनस लॉज ऑफ मोशन की इस इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से दी हुई है कि टू बॉडीज ऑफ मैसेस m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग व्हिच पासस ओवर अ फ्रिक्शनलेस मासलेस पुली एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पुली दे दी है उसके दोनों तरफ दो मैसेस जा रहे हैं एक मास दे दिया m1 दूसरा मास दे दिया m2 if the pulley is moving upward with uniform acceleration of g by 2 pulley khud भी ऊपर जा रही है g by 2 acceleration से, and we have to find the tension in a string we have to find the tension in a string okay तो to chaliye tension find karne ki koshish karte hain to is question ko hum log solve karenge pulley frame of reference se pulley frame of reference se to jab hi bhi hum log mechanics ki problem solve karte hain तो दो चीजें ध्यान में देनी चाहिए कि सबसे पहले सिस्टम हमारा क्या है और हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है तो हमारा फ्रेम ऑफ़ है पुली तो जैसे कि कि हमको दिख रहा है पुली पुली पे जब मैं बैठ करके मोशन को तो पुली तो खुद ही एक्सलेट कर रहा है मतलब अगर इस फ्रेम से मुझे मोशन को देखना है तो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तो चलिए अब M2 का हम एफ बनाने की कोशिश करते हैं M2 पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी तो एक तो नीचे लगेगी एम टू जी इसका वेट एक और ऊपर लगेगा टेंशन सपोज हम मान ले रहे हैं कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है जिसकी वजह से पुली के रिस्पेक्ट में M2 नीचे जा रहा होगा ए एक्सेलेशन से और एम वन से ऊपर आ रहा होगा ठीक है और इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी दैट वुड बी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज एम टू एंड एक्सेलेशन ऑफ ऑब्जर्वर दैट इज जी बाई टू एंड डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर तो चलिए एम टू के लिए अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जाऊंगा तो हो जाएगा नीचे वाली फोर्स बड़ी है नेट फोर्स इसका टू मास इनटू एक्सेलेरेशन एम टू जी प्लस एम टू ये हो जाएगा थ्री बाई टू एम टू जी माइनस टी इज इक्वल टू एम टू ए सपोज दी डी बनाने जाऊंगा तो एम वन पे मुझे फोर्स दिखाई देगी एक तो एम वन जी नीचे वेट दूसरा एम वन जी बाई टू सूडो फोर्स और ऊपर की ओर टेंशन बट इस बार एक्सेलेशन किधर है ऊपर की ओर इस केस में एक्सेलेशन नीचे की ओर था तो अगेन मैं नेट फोर्स में टू मास इंटू एक्सेलेशन जब लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा मुझे टी माइनस थ्री बाई टू एम वन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो T तो कैंसिल हो जाएगा साथ में मुझे दिखेगा थ्री बाई टू एम टू माइनस एम वन जी इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू ए क्या आ जाएगा थ्री बाई टू एम टू माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस नहीं पूछा गया था हमसे पूछा गया टेंशन इन द तो इस एक्सेलेशन की वैल्यू को सपोज मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड में रख देता हूँ सपोज तो ये टेंशन आ जाएगा एम वन ए की वैल्यू है थ्री बाई टू जी एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस थ्री बाई टू एम वन जी यहां से मुझे थ्री बाई टू एम वन जी तो कॉमन मिल गया और ये आ गया एम टू माइनस एम वन एम टू माइनस एम वन प्लस एम वन प्लस एम टू डिवाइड में एम वन प्लस एम टू ये एम वन एम वन कैंसिल आउट हो गया ये हमारा आ गया थ्री बाई टू एम वन जी और ये हो जाएगा टू एम टू अपॉन एम वन प्लस टू कैंसिल आउट हो गया ये आ गया थ्री एम वन एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू एंड दैट इज आवर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सो ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू